आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत और नेपाल सीमा पर दवाओं की हो रही तस्करी पर बोलते हुए एडीजी जोन ने कहा, तस्करी को रोकने के लिए बढ़ती जा रही है सतर्कता, एसपी और लोकल पुलिस कर रही है निगरानी, दवा तस्करों पर है विशेष नजर। पिपराइज थाना क्षेत्र में घर से लापता 5 वर्षीय मासूम बच्चे का गन्ने के खेत में मिला शव, एसएसपी ने कहा परिजनों के तहरीर पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अपराधियों, माफियाओं, बलात्कारियों व गैंग रेप करने वाले अपराधियों पर ऑपरेशन सिकंजा के तहत कसेगा सिकंजा। ऑपरेशन सिकंजा के तहत एक अपराधी को दिलाई जा चुकी है फांसी की सजा। आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी की दिन दहाड़े सड़क पर चाकू मारकर की हत्या, तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने हत्यारोपी पति को किया गिरफ्तार, मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन ने ऑपरेशन तमंचा अभियान पर कहा, जोन के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि तमंचा रखने वाले व्यक्तियों का पता करके करें सूची तैयार, सोशल मीडिया पर भी रखे नजर, तमंचा रखने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर सोर्स के बारे में लगाएं पता। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के 17 थानों पर आयोजित हुए पुलिस चौपाल, राजपत्रित अधिकारियों ने थाने पर ही किया रात्रि प्रवास, जनता से की मुलाकात, सुनी समस्याएं, किया निदान। 17 अगस्त को सहजना थाना क्षेत्र के ग्राम लुचई से गायब 3 बच्चों को पुलिस ने किया सकुशल बरामद, सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने दी जानकारी। नगर निगम की 10 करोड़ रुपए की कीमती जमीन पर अवैध रूप से निर्मित दुकान और मकान पर चला बुलडोजर, उर्वरक नगर वार्ड नंबर 44 में हटाया गया अवैध कब्जा, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्यवाही। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,387, अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 12 हुए एक्टिव मरीज, सीमा डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अवैध नशीली गोलियों के 7 4 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 502 अवैध नशीली गोलियां, अल्प्राजोलम को किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर बहनों को दिया तोहफा, 24 घंटे तक के लिए फ्री रहेगी रोडवेज की बस यात्रा, क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक ने कहा 21 अगस्त की रात्रि 12 बजे से लेकर 22 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं महिलाएं। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 79 केंद्रों पर 33,161 लोगों को लगाया गया कोविड का टीका, फर्स्ट डोज लेने वालों में 26,294 और सेकेंड डोज लेने वालों में 6,897 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने कहा नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं, टीका जीत का। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफर्स एवं मीडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिला ब्लड बैंक में किया गया रक्तदान, ब्लड बैंक प्रभारी ने कहा एक व्यक्ति द्वारा दिए गए रक्त से बचाई जा सकती है 4 जिंदगियां। और लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, वहीं दिनचर्या भी हुई प्रभावित, मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 दिनों तक छिटपुट बारिश के हैं आसार।